स्पीकर पंजाब असेंबली का बड़ा फैसला, गवर्नर के मुबैना मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। स्पीकर खत में गवर्नर पंजाब के गैर आइनी इकदाम की निशानदही करेंगे। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरखास्त भी की जाएगी। स्पीकर सिप्तैन खान की तरफ से सदर मुमलिकत को खत आज ही लिख दिया जाएगा। गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, मुबैना आइन शिकनी पर मबनी इकदामात से रोकने की इस्तेदा की जाएगी। तो स्पीकर पंजाब असेंबली का बड़ा फैसला, गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला किया गया है। स्पीकर खत में गवर्नर पंजाब के गैर आइनी इकदाम की निशानदही करेंगे। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरखास्त भी की जाएगी। स्पीकर सिप्तैन खान की तरफ से सदर मुमलिकत को खत आज ही लिख दिया जाएगा। गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, मुबैना आइन शिकनी पर मबनी इकदामात से रोकने की इस्तेदा की जाएगी। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा इस पर। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से थोड़ी देर कबल स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में ये फैसला किया गया कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो गवर्नर पंजाब के मिसकंडक्ट के खिलाफ जो है वो सदर ममलकत को खत लिखेंगे और एहतजाजी खत जो है वो आज ही लिख दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर उसमें गवर्नर के जो इकदाम हैं उसमें स्पीकर जो निशानदेही करेंगे कि गवर्नर गैर आइनी इकदाम के मुर्तकिब हो रहे हैं, सदर ममलकत उनको रोकें। और इस खत में ये भी इस्तदा की जाएगी कि सदर मुल्क गवर्नर पंजाब को तब्दील करें क्योंकि वो इस वक्त सियासी खेल में मसरूफ हो गए हैं और वो आइन शिकनी के इकदाम खुद भी कर रहे हैं और मजबूर भी किया जा रहा है कि दूसरे फी कैम भी जो है वो आइन शिकनी करें। तो ये एक थोड़ी देर पहले जो स्पीकर पंजाब असेंबली की इमरान खान से मुलाकात हुई थी उसके बाद ये एक अहम डिवेलपमेंट सामने आई है जिसमें स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उन्होंने खत लिखने का फैसला किया गया था। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका।